नमस्कार। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है सेमिनार के लाइव ऑनलाइन सेमिनार क्लासेस के अंदर। और आप लोगों के अगर कोई भी डाउट है ना अब तक जो हमने पढ़ा है उसके अंदर से, तो आप पूछ सकते हो। कोई डाउट है आप लोगों का अब तक जो हमने किया है, स्टील रिइंफोर्समेंट या फिर जो पीछे के टॉपिक जो थे उनके अंदर? हाँ जी, कॉलम के डेवलपिंग लेंथ के बारे में नहीं बतलाए थे सर, वीडियो में चेक किए थे दोबारा। अरे यार, कॉलम का डेवलपिंग लेंथ चाहे कॉलम का हो बीम का हो सबका एक ही होता है, 50D ही कंसिडर, 50, 60D, 40D जो है आपके ड्राइंग में लिखा रहेगा। और मैंने आपको बताया है कि कोई भी डेवलपमेंट लेंथ जो है कैसे कैलकुलेट होता है, बताया ना? सर एक्यूरेसी के लिए जो डेवलपमेंट लेंथ का जो वैल्यू 50D लेते हैं, इससे अरे अच्छा मेरे कवर माई भाई, अक्षर के एक्यूरेसी जो है। क्या होता है? जो आप कैलकुलेशन कर रहे हो वही एक्यूरेसी होता है। सर एक्यूरेसी तो क्या कहीं होता है कहीं आपके फिफ्टी डी आपके अनुसार? एक्यूरेसी क्या है बताइए, व्हाट डू यू थिंक मतलब अबाउट सही एक्यूरेसी? सर, क्या होता है एक्यूरेसी? मतलब अगर 1 मीटर का हमको लेंथ चाहिए तो वो एक्यूरेट हमें एक फिर लेंथ ही आना चाहिए, आप उससे कैसे एक बोल पॉइंट। सकते हो, आप कैसे बोल सकते हो 1 मीटर का ही चाहिए? जो ड्राइंग कहेगा वही तो लोगे, सर जो ड्राइंग कहेगा वही तो लोगे ना। अगर हम कहना ये चाह रहे हैं कि मतलब अगर कहीं भी डिलीट करेंगे वहां 50D ही लेके चलेंगे, या मतलब एक्यूरेसी के लिए या कवर माइनस मेरे करके भाई चलेंगे मैंने तो आपको उसमें क्या अंतर है। कहा, आपका ड्राइंग जो कह रहा है आप वो कंसिडर करोगे, आपका ड्राइंग कह रहा है 50D तो 50D लोगे, 60D कह रहा है तो 60D लोगे। और अगर ड्राइंग में नहीं मेंशन है तो वट एवर वी हैव टोल्ड यू हाउ यू हैव टू कैलकुलेटेड दैट एलडी, यू हैव टू गो विद दैट वे, समझ रहे हो? ड्राइंग में लिखा रहेगा 50D लेना है, 60D लेना है या फिर 45D लेना है या 40D लेना है। अगर नहीं लिखा है, ड्राइंग में मेंशन नहीं है कहीं पे भी, तो आप वो कंसिडर करोगे जो कि जिस तरीके से हमने आपको बताया है कल एलडी कैसे कैलकुलेट करना है, समझ गए? ठीक है, ड्राइंग में मेंशन रहता है। आपको एक सिविल इंजीनियर को याद रखना, अपना दिमाग नहीं चलाना होता ड्राइंग के मैटर पे, जो ड्राइंग कह रहा है वो आपको फॉलो करना है। यू आर नॉट अ स्ट्रक्चर कंसल्टेंट और यू आर नॉट अ स्ट्रक्चर डिजाइनर, ठीक है? जो ड्राइंग, अगर कोई इंफॉर्मेशन ड्राइंग पर नहीं है तो यू विल नॉट सपोज एनीथिंग बाय योर सेल्फ, ये बात ध्यान रखिएगा। आपको अपना दिमाग जो है ना बिल्कुल बंद रखना है। इवन यू आर अ मैनेजर ऑल्सो, इवन यू आर अ ऑनर ऑफ द कंपनी, आपको अपना दिमाग का शट डाउन करना है जब तक कि स्ट्रक्चर कंसल्टेंट की आपको अप्रूवल नहीं मिल जाती किसी भी टॉपिक के ऊपर। जब तक आपके अगर ड्राइंग में कोई चीज मिसिंग है, मैंने आपको बताया है कि आपको वो हाईलाइट करना है, यू जस्ट रेज अ आरएफआई, रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन एंड आस्क योर कंसल्टेंट व्हाट वी हैव टू कंसीडर फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, समझ गए? जी कभी सर, भी अपना अजम्पशन नहीं करना है हमें। कोई देखो क्या होता है, हर किसी का अपना अपना रोल होता है। उसने क्या सोच के वो चीज डिजाइन किया है, क्या सोच के उसने वो चीज, अगर उसके मिस हो गई है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो। आपको उसी से ही, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हर कोई अपनी, कल की डेट में कुछ गलत हो गया ऊपर नीचे हो गया तो यू विल बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट थिंग। वो आपको ही जिम्मेवार बताएगा कि भैया आपने अपनी मर्जी से कैसे कंसिडर कर लिया, ठीक है? सो जब भी काम करो, जब भी वो कोई भी चीज है अगर आपकी ड्रॉइंग में नहीं स्पेसिफाई है तो यू विल रेज अलार्म, अलार्म बजा दो, चिल्लाओ भैया ये इंफॉर्मेशन मिसिंग है, ये इंफॉर्मेशन गलत है। और जब तक उसका अप्रूवल, कई बार साइट है इसीलिए डिले हो जाती है कि कंसल्टेंट का जो है दोस्तों उसमें उसमें जो है इन्वॉल्वमेंट कम हो जाता है, तो कंसल्टेंट पैसा लेता है भाई, हर कोई पैसा ले रहा है, समझ गए? हर किसी की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्ट्रक्चर कंसल्टेंट की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आर्किटेक्ट की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप अपनी तरफ से कुछ भी कंसिडर करके कुछ भी नहीं चलेंगे। हाँ, जो ड्राइंग में दिया है वो आप करेंगे, समझ रहे हो? तो अपना दिमाग नहीं चलाना है। हम सिविल इंजीनियर हैं लेकिन हमें उससे ज्यादा नॉलेज नहीं होगी जो कि पर्टिकुलर स्पेसिफाई जो है उस काम के लिए जो स्पेसिफिक पर्सन है। जो क्वांटिटी सर्वेयर है वो क्वांटिटी सर्वे का काम करेगा। जब आपकी बारी आएगी, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, देन यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर वट एवर यू हैव डन। जो क्वांटिटी सर्वे, जो क्यूए, जो आपका स्ट्रक्चर कंसल्टेंट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर कोई चीज मिस हो रही है तो, बिकॉज एवरी पर्सन इज जनरेटिंग मनी फॉर देयर जॉब्स, ठीक है? आपको पता है ये चीज, वहां जहां पे आपको लगे ये चीज सर गलत इसने लिखी हुई है आपको अलार्म बजाना है, आपको
इंफॉर्मेशन उसे कलेक्ट करनी है कि ये चीज, ये क्यों, ये चीज यहाँ पे मिसिंग क्यों है, या ये चीज यहाँ पे गलत मेंशन क्यों है, ये चीज ध्यान रखना। कभी भी बड़बोलापन नहीं दिखाना साइड पे। आपको नॉलेज है, आप एमटेक हो, पीएचडी हो, कुछ भी हो आप, लेकिन आपको उतना ही दिमाग चलाना है जो कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको एक्स्ट्रा दिमाग नहीं चलाना है, समझ रहे हो? ये चीज याद रखना। जो आपका काम है, आपका काम में गलती नहीं होना चाहिए। अगर आप क्वांटिटी सर्वे का काम कर रहे हो, उसमें गलती नहीं होना चाहिए, तो आपका डंडा बच जाएगा। हाँ अपना काम, आप कहते हैं ना, जिसका काम उसी को साजे, नहीं तो डंडा बाजे, तो वो वाली हरकत हो जाती है। आपका जो रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसी पर फोकस करो। हाँ, जिस दिन आप डिजाइनिंग में जाओगे, उस दिन डिजाइनिंग वाला पार्ट आपका होगा। यू आर नॉट अ होल सोल इंचार्ज ऑफ द प्रोजेक्ट। क्लियर है? हाँ, वो कॉन्सेप्ट, वो 50D 40D, वो आपकी ड्राइंग में, ड्राइंग जो कहती है, आपको वो फॉलो करना है बस। और किसी का कोई डाउट भाई? नहीं और कोई कुछ पूछना चाहता है? रिजाज, आपका कैमरा क्यों ऑफ है? रिजवान भाई, क्लास के ड्यूरेशन में कैमरा ऑन कर दिया करो। सर, सर एक्चुअली मैं इधर अभी बाहर हूँ, हॉस्पिटल में आया हूँ। छोटा भांजा बीमार था, तो एक साइड अच्छा का अच्छा ऑफिस में, इधर अंधेरा तो उधर। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा है, आप केयर करो उनकी। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है भाई? हाँ सर जी, कल का आंसर, आपने जो क्वेश्चन दिया था उसका आंसर जो हाँ, मैच कर कितना रहा है कितना सर। आया बताओ, कल जो क्वेश्चन दिया था हॉरिजेंटल वो? बार, जी सर हॉरिजेंटल बार आया है सर 97 नंबर से बार आया है, और वर्टिकल 87 आया है। सबका यही आ रहा भाई, सब लोगों का यही आ रहा है, सब वर्टिकल लोगों सर का यही है। 86 का आ रहा है, 7 नहीं आ रहा है। मेरे भाई तुम लोग, यार एक चीज मेरे को बताओ, कैसे करते हो यार? मतलब एक और किसी का आ रहा कोई 87? देखो, जिसकी मेजोरिटी होगी वो समझ लो वो सही है, ठीक है? मेजोरिटी किसकी है? 87 की है, 86 की है। हाँ जी, कितना है विवेक? 36 सर, सर तुमने थोड़ा सा, या तो और किसका? वर्टिकल साकित, में कितना है आपका? कितना है शाहिद? सर नंबर ऑफ हॉरिजेंटल बार मेरा आ रहा है 97। अरे मेरे भाई, तुम तो और ज्यादा पार कर गए। सही आ रहा है, 97 सही है। जी सर, जी सर 97 हॉरिजेंटल है। सही है सर, वर्टिकल? हाँ, वर्टिकल कितना है फिर? वर्टिकल कितना है शाहिद? और सर वर्टिकल 87, 87, क्योंकि 87 सर 85.4 आ रहा है, उसको 86 कर दिया, प्लस वन नहीं एटी नहीं नहीं सेवन नहीं नहीं 85.4 को 85 सर नहीं एटी करोगे, 85 सिक्स करोगे, 86 नहीं करोगे उसको। इट इज ओ लोअर देन 0.5। हमेशा याद रखो, हाँ रिगर सर। राउंड ऑफ का क्या होता है? 85.5 से अगर अबव है, देन यू विल गो फॉर अ हायर फिगर। इफ देयर इज लोअर देन 0.5, देन यू विल गो फॉर अ लोअर फिगर। ठीक है, 85 पॉइंट, 85.54 है सर, हाँ, तो 5.4 है, सर तो उसको 80 एटी फोर कंसिडर, 85 कंसिडर 86 करोगे ना कि 86, तो देन आपका सही आएगा। 86 पॉइंट समथिंग आ रहा था, तो उसमें एक वन ऐड कर दिए थे, तो 87। हाँ ठीक है, चलो। और रिजवान, आपका भी यही आ रहा था? चलो ठीक है, और किसी को कोई डाउट है? नो सर, चलो ठीक है, अगर डाउट नहीं है तो फिर हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है?